जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशि फल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर किसी प्रकार की परेशानी है तो मैसेज जरूर करें, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम और जन्मदिन, जन्म समय के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, आपको जवाब देर ही सही लेकिन जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी दिखवा सकते हैं। इसमें आपको शादी के बारे में सभी विवरण दी जाएगी कि शादी कब होगी और शीघ्र शादी के उपाय बताए जाएंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कुंडली के सप्तम भाव से शादी की गणना की जाती है, इसमें अशुभ ग्रह रहने से शादी में देरी होती है, शुभ ग्रह रहने पर शादी शीघ्र होती है, तो इन अशुभ दोषों को दूर करने के भी उपाय बताए जाएंगे। इसके लिए आप kpkiwani@gmail.com पर मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है क्योंकि इसमें सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। अगर आप वीडियो को पूरी तरह से नहीं देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। केपी की वाणी चैनल पर ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से, आप अपने सवाल पूछने में जरा भी संशय ना रखें। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं के लिए ही समर्पित है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि रिप्लाई करने में कुछ वक्त लग जाता है क्योंकि समय का अभाव, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में हाथ देखकर, कुंडली देखकर शादी की गणना की जाती है, जबकि शादी का सही पता कुंडली के सातवें भाव से होती है। उसी गणना के अनुसार से ज्योतिष शास्त्र में शादी के बारे में बताया जाता है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, क्यों नहीं हो रही है। अगर आप भी अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं कि आपकी शादी कब होगी, तो आज मैं आपको पी नाम की लड़कियों की शादी के बारे में बताने जा रहे हैं कि पी नाम की लड़कियों की शादी कब और किससे होती है। साथ ही स्वभाव भी जानेंगे कि पी नाम की लड़कियां प्रेम और व्यवहार मामले में कैसी होती है, किस दिशा में शादी होगी, पति कैसा मिलेगा, किस उम्र में शादी होगी और घर से कितनी दूरी पर शादी होगी। इन सभी के बारे में आपको एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आइए पहले स्वभाव जानते हैं। लेटर पी नंबर 7 अंक के बराबर माना जाता है और शक्ति और अध्यात्म का प्रतिनिधित्व करता है। इस अक्षर से जुड़े लोगों का जीवन दर्शन में खासी दिलचस्पी रहती है और ये लोग, जिन लोगों का नाम पी अक्षर से शुरू होता है, उनके लाइफ में काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। इससे साफ पता चलता है कि पी नाम की लड़कियों के विचार और स्वभाव मिलते जुलते हैं, जबकि आपकी किस्मत भी इनकी जैसी हो सकती है। पी नाम की लड़कियां मन से बहुत साफ होते हैं और अपने मन में किसी के लिए गलत मंशा नहीं रखते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। इन्हें कभी इस बात का कोई गम नहीं होता है कि इनकी वजह से कोई दुखी है। इस अक्षर की लड़कियां काफी सोशल होती है और फ्लर्ट करने में काफी माहिर होती है। स्वभाव में तानाशाही होती है। इन्हें लोगों को दबाना अच्छा लगता है लेकिन मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रहती। इन्हें समय के साथ नाम, पैसा और शोहरत सब कुछ मिलता है। प्यार को अहमियत देने वाली इस अक्षर की नाम की लड़कियां प्यार के मामले में थोड़ी अनलकी होती है क्योंकि इन्हें सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता है। हालांकि इन्हें सच्चे प्यार की तलाश हमेशा रहती है। पी अक्षर नाम वाली अधिकतर लड़कियों के आसपास एक रहस्य सा माहौल बना रहता है क्योंकि ये रहस्यमयी लड़की होती है। ये अपनी निजी जिंदगी के सारे बातें अपने पास ही छिपा कर रखती है, किसी से शेयर नहीं करते हैं। इस कारण इन्हें रहस्यमयी लड़की कहा जाता है। ये जल्दी किसी के सामने पूरी तरह से नहीं खुलती और इन्हें अपनी निजी जिंदगी की बातें दूसरे के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं पसंद होता है। यह अपनी पर्सनैलिटी से बहुत प्यार करती हैं
इस अक्षर की लड़कियां काफी सोशल भी होती हैं। कैसा होगा पति? ज्योतिष में शादी की गणना कुंडली के सातवें भाव से की जाती है। इसी भाव से सब कुछ स्पष्ट पता चलता है कि आपका पति कैसा होगा, आपकी शादी कब होगी और शादी के बाद जीवन कैसा है। अगर कुंडली के सातवें घर में शुभ ग्रह यानी कि चंद्रमा, बुध, गुरु या शुक्र हो तो लड़की का पति समायु यानी कि एक उम्र का हो सकता है, आपकी उम्र के बराबर हो सकता है, 2-4 वर्ष का अंतर हो सकता है। अगर कुंडली के सातवें घर में पापी ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु का प्रभाव हो तो पति बड़ी उम्र वाला मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पति आपसे 5 साल का बड़ा हो। अगर कुंडली के सातवें घर में शनि हो और राशि निम्न हो तो लड़का काला मिलेगा और लड़की की उम्र से बड़ा हो सकता है। अगर कुंडली के सातवें घर में शनि हो और उच्च राशि का हो तो लड़का गोरा पतला होगा और लड़की की उम्र से 5 साल से ज्यादा बड़ा हो सकता है। अगर कुंडली के सातवें घर में सूर्य हो तो पति गोलमुख तथा तेज ललाट वाला, आकर्षक, गोरा, सुंदर, यशस्वी एवं राज्य कर्मचारी हो सकता है। अगर कुंडली के सातवें घर में चंद्रमा हो तो पति शांत चित्त वाला, गौर वर्ण का, मध्यम का तथा सुडौल शरीर वाला। अगर कुंडली के सातवें घर में मंगल हो तो पति बलवान मिलता है लेकिन उनका क्रोध अधिक रहता है। वह नियम कानून को मानने वाला होता है। उनकी हाइट थोड़ी सी छोटी हो सकती है। विद्वान, भ्रात प्रेमी, सेना, पुलिस या सरकारी सेवा में कार्यरत हो सकता है। अगर सातवें घर में बुध है तो व्यक्ति का जीवन साथी समझदार और सुंदर होगा। जीवन साथी काफी रोमांटिक और बातचीत की कला में निपुण होगा। अगर कुंडली के सातवें घर में गुरु हो तो जीवन साथी गोरे रंग का हो सकता है। उनके चेहरे पर पीली आभा होगी। अगर कुंडली के सातवें घर में शुक्र बैठा है तो जीवन साथी आपका बहुत ही शौकीन और रोमांटिक होगा। कब होगी शादी? आइए अब जानते हैं कि कब होगी शादी। पी नाम की लड़कियों की शादी कब होगी? यह गणना आपको कुंडली के हिसाब से दी जाती है और यह पूर्णतः सत्य है। आप अपनी कुंडली स्वयं भी देख सकते हैं। ऑनलाइन में ढेर सारे कुंडली पोर्टल है जहां पर आप कुंडली बनवा सकते हैं और खुद भी देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या क्या दशा है। हमारा मुख्य उद्देश्य केवल शादी पर केंद्रित है, इसलिए हम आपको केवल शादी के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पी नाम की लड़कियों की शादी में कुंडली के हिसाब से कब होगी। इसे आप स्वयं भी देख सकती हैं। अगर कुंडली के सातवें घर में राहु और शनि हो तो 27 साल की उम्र में शादी हो जाती है। अगर सातवें घर में चंद्र हो और उस पर मंगल सूर्य की नजर हो तो शादी 26 साल की उम्र में होने का योग होता है। अगर सातवें घर में मंगल हो और उस पर शनि की नजर हो तो शादी 30 साल में होगी। अगर सातवें घर में राहु हो तो शादी 27वें वर्ष में हो जाएगी। अगर सातवें घर में मंगल, राहु, केतु तीनों हो तो शादी में काफी बाधा आती है। किसी किसी लड़कियों की शादी 32 साल तक नहीं होती है। ये मुख्य कारण यही है कि आपके शादी के कुंडली के सातवें घर में राहु, मंगल, केतु सभी एक साथ। इसलिए आप अपनी कुंडली को जरूर देखें, नजदीक के वरिष्ठ पंडित से सलाह जरूर लें। अगर सातवें घर में केवल मंगल हो तो 28 साल के बाद शादी हो जाती है। मंगल का कितना भी प्रभाव हो 28 के बाद शादी का योग बन ही जाता है। अगर सातवें घर में राहु और मंगल दोनों ही हो तो शादी में देरी होती है। बात पक्की होने के बाद भी शादी टूट जाते हैं। अगर सातवें घर में केवल शनि हो तो शनि 30 वर्ष के बाद ही शादी होने देता है। अगर सातवें घर में शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु या शनि सूर्य या सूर्य मंगल एक साथ हो तो विवाह में बहुत अधिक देर होता है। शुभ ग्रह, शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, रवि और चंद्र को बोला जाता है। अगर सातवें घर में शुभ ग्रह है तो शादी शीघ्र से शीघ्र हो जाती है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के सातवें घर में बुध है तो आपकी शादी 20 वर्ष में हो जाएगी। अगर गुरु है 25 वर्ष में शादी निश्चित हो जाएगी। अगर शुक्र है, चंद्र है तो 24 वर्ष के बाद शादी हो जाएगी। अगर सातवें घर में सूर्य है तो शादी 27 वर्ष तक हो जाएगी। घर से कितनी दूरी पर होगी शादी? अगर कुंडली के सप्तम भाव में चंद्र, शुक्र तथा गुरु हो तो लड़की की शादी घर के आसपास होती है। अगर कुंडली के सप्तम भाव में वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि है तो शादी 90 किलोमीटर के अंदर हो जाती है। अगर कुंडली के सप्तम भाव में कन्या, धनु, मीन, मिथुन ये राशियां हैं तो शादी 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर हो जाती है। अगर सप्तम भाव में मेष, कर्क, तुला और मकर है तो ससुराल 200 किलोमीटर के अंदर हो सकता है। किस दिशा में होगी शादी?
यह भी जानना जरूरी है कि आपकी शादी किस दिशा में होगी। यह एक ज्योतिष गणना है, केवल भविष्यवाणी की जाती है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। ग्रह गोचर के हिसाब से आप जिस तरह के दोष निवारण करते हैं, इच्छा शक्ति होती है, कर्म जैसा करते हैं, उस तरह से इसमें बदलाव होता है। लेकिन जो मोटा मोटा गणना है ज्योतिष में, उसके हिसाब से पी नाम की लड़कियों की शादी उत्तर दिशा में होती है, जबकि राशि स्वामी बुध है। किससे होगी शादी? पी नाम की लड़कियों की शादी KASD, इन नामों से होने की संभावना अधिक से अधिक रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो किसी वरिष्ठ पंडित या ज्योतिष से जरूर सलाह लें। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नई वीडियो, एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा और आपको पूरी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार।